बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए टॉपिक हल्का सा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड टीनेज सेक्स इज रैम्पेंटली इंक्रीजिंग इन इंडिया। यस, 2003 में टीनेज सेक्स का रेट जो सिर्फ 8% था, वो आज ऑलमोस्ट 4 times बढ़ के 33% पर आ चुका है। एंड नाउ यू वोंट बिलीव, लेकिन इसी वजह से आज इंडिया में 67% अनसेफ टीनेज अबॉर्शंस हो रहे हैं। एवरी डे 8 टीनेज गर्ल्स अबॉर्शन के टाइम पे मर रही है, पर इस सब के बावजूद भी ये ट्रेंड कम होने के बजाय एवरी डे बस बढ़ता ही जा रहा है। सो अब ये सब सुनने के बाद जाहिर सी बात है क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई आर इंडियन टीनेजर्स सडनली हैविंग सो मच सेक्स। लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी ही कहा कि न्यूज आउटलेट इंडिया टुडे के 17 सेक्स सर्वे से ये क्लियरली पता चला कि टीनेज सेक्स आज इंडिया में 4 times से भी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड माइंड यू, यहाँ पर मैं सिर्फ बड़े सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कंपेरेटिवली छोटे सिटीज लाइक असम की इंपॉर्टेंट सिटी गुवाहाटी में भी एक सर्वे में अराउंड 61% लोगों ने ये रिवील किया था कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी टीनेज में ही लूज कर दी थी। 61%। 2015 में फर्स्ट पोस्ट एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार ओवरऑल इंडिया का टीनेज अबॉर्शन रेट 67% से राइज हो चुका था। और अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं तो इसमें एक मैसिव राइज 144% का दिखा है। अब इन सारी चीजों के पीछे की वजह हुकअप कल्चर। बट वेट, सिर्फ यही एक वजह नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया में चाइल्ड मैरिज का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो आज भी काफी ज्यादा प्रेवेलेंट है। सो इसके पीछे वो भी एक रीजन है, लेकिन उस पर हमने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। बट फॉर टूडे लेट्स जस्ट फोकस ऑन द न्यूली राइजिंग इंडियन हुकअप कल्चर। अब आप ही सोचो, इंडियंस के लिए हुकअप कल्चर में घुसने का सबसे इजी स्टेप क्या हो सकता है? Obviously, dating apps. So now nobody would deny कि recent years में with the rise of dating apps like Tinder, Bumble, Hinge and so many others जो Indian market में around the same time period ही popular हुए थे, इन applications ने sexual activities को बहुत ही ज़्यादा normalize कर दिया था। In fact, quite interestingly, Indian dating applications का USA के बाद world का second largest market है। Plus to top it up, इतने सारे new applications आने के बावजूद भी India के top dating applications 17% से grow हुए हैं। But ऐसे क्यों? I mean, India has always been a very culturally and traditionally integrated society, right? So ये new culture आखिर इतना suddenly India में आया कहाँ से? So well, इसके लिए चलो India के trends को दूसरे countries से compare करके देखते हैं। So चलो, let's study USA. इंडिपेंडेंस के बाद अराउंड 1920s में अमेरिका के सोशल नॉर्म्स में काफी ज्यादा चेंजेस को देखने मिला था। विद द मैसिव अपसर्ज ऑफ कार्स, मूवी थिएटर्स एंड इन जनरल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, अमेरिका की पॉपुलेशन काफी ज्यादा मॉडर्नाइज होने लग गई थी। अब इसके बाद अराउंड 1960s में अमेरिका में आया एक वेव, फेमिनिज्म का वेव, जिसने भी मॉडर्नाइजेशन को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद वुमेन एजुकेशन बढ़ने लगा एंड इन जनरल इक्वालिटी बढ़ने लग गई। लेकिन इसी पीरियड में हुआ ये कि इसके पहले फिर भी पेरेंट्स, एटलीस्ट कोई एक पेरेंट तो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर पाते थे एंड हेंस उनकी एक्टिविटी को ट्रैक और उसे कंट्रोल कर पाते थे। बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, कहीं ना कहीं ये जो पेरेंटल कंट्रोल था वो हल्का सा लूज होने लग गया था। अब जब यहाँ पर ये सब हो रहा था, इसी दौरान हॉलीवुड कम्स इनटू द पिक्चर। अचानक से हॉलीवुड में भी सो कॉल्ड मॉडर्न, कूल, केयरफ्री हुकअप कल्चर को प्रमोट करने वाली मूवीज आने लग गई। द ट्रेंड सेटर बीइंग एनिमल हाउस मूवी। अब आई नो ये मूवी काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये जो ट्रेंड आया था इसका ऐसा कोई डेट नहीं है। इट इज लाइक अ पीरियड इन जनरल, एक ऐसा पीरियड जब काफी सारे फैक्टर्स किसी एक चीज को कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। हियर द मॉडर्न कल्चर बीइंग इन रेफरेंस। सो उस टाइम की बात करें तो एनिमल हाउस इस मूवी ने ये ट्रेंड को सेट किया एंड मूवीज लाइक पोर्कीज, रिवेंज ऑन द नर्ड्स एक्सेट्रा इस ट्रेंड को और ज्यादा कंटिन्यू किया। इनफैक्ट ये चीज तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि काफी सारी मूवीज ने द आइडिया ऑफ सेक्स इंटीग्रेटेड स्कूल या फिर कॉलेज पार्टीज भी काफी ज्यादा प्रमोट करने लग गए थे। अब पूरे कंट्री में हुकअप वेव तो चालू हो ही चुका था, सो कई सारे कंपनीज भी अब इस वेव को राइड करना शुरू कर दिए। कई सारे अल्कोहल कंपनीज अल्कोहल को एज द न्यू कॉलेज पार्टी ड्रिंक प्रमोट करने लग गए। अब ये सब का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि उस टाइम पे अमेरिका में इन जनरल ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग एंड पार्टीइंग एंड ड्रिंकिंग एंड हैविंग सेक्स काफी ज्यादा नॉर्मलाइज होने लग गया। इतना कि उस दौरान गवर्नमेंट ने लीगल ड्रिंकिंग एज 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया था। लेकिन टू ऑल इन वेन, क्योंकि इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा टीनेज अल्कोहल कंजम्पशन इसके बाद और ज्यादा बढ़ गया था। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, ड्रिंकिंग एंड हैविंग सेक्स इज एज डेंजरस एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। सो नतीजन टीनेज अनवांटेड प्रेगनेंसीज अमेरिका में स्पाइक करने लग गई। ये स्पाइक इतना हाई था कि उस टाइम 1993 की बात है, ऑलमोस्ट 50% अमेरिकन किड्स ने ये रिवील किया था कि दे लॉस देयर वर्जिनिटी अराउंड देयर 9th स्टैंडर्ड। इन फैक्ट 2001 में तो अमेरिका हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज के लिस्ट में
फर्स्ट रैंक पे था। आई नो अभी तक आपने अपने आप ही इन ट्रेंड्स को इंडिया से कंपेयर कर लिया होगा मेंटली, क्योंकि सिमिलर ट्रेंड्स आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे। सो सबसे पहले अगर इंडियन सिनेमा में बोल्ड सीन्स की बात करें तो 1940 के पहले ही इंडियन मूवीज में बोल्ड सीन्स शुरू हो चुके थे, पर सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के बाद बोल्ड सीन्स पर सेंसरशिप आ गई, जिसके बाद 1950 से लेकर 60s के बीच सिम्बोलिज्म ने बोल्ड सीन्स की जगह ले ली, यानी कि सेक्स के जगह पे वही दूध उबलते दिखाना या फिर फूल मिलते दिखाना वो सब कुछ। लेकिन फिर 1970s से लेकर 80s के बीच में बोल्ड सीन्स की इंडियन सिनेमा में वापस से एंट्री हुई, और पोस्ट 1990s तो सिनेमा में बोल्ड सीन और ज्यादा नॉर्मलाइज और ज्यादा बोल्डर भी हो चुका था। अब बॉलीवुड की ये बोल्ड सीन्स की जो हिस्ट्री है ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड जो होता है वो नॉर्मल पीपल को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और अगर सिर्फ बॉलीवुड की ही बात करें तो इसके 2008 में 35% और आज के तारीख में 71% ऑडियंस 15 से 24 ईयर्स की यंगस्टर्स है। तो अब सोचो कि ये सारे बोल्ड मूवीज़ का इन यंगस्टर्स पे उस टाइम पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होगा। अब मूवीज़ तो अपना काम कर रही थी, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका के जैसे ही इंडिया में भी राइज इन मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, फेमिनिज्म, ये सब की वजह से जैसा सेम वहाँ पर हुआ था, यहाँ पर भी जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लग गई। तो ऑब्वियसली बच्चों की एक्टिविटीज पर ट्रैक रखना और उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी हद तक लूज होने लग गया था। इनफैक्ट 2008 का ही एक सर्वे ये कहता है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ पूरे दिन का आधा घंटा ही दे पाते हैं ऑन एन एवरेज। ऊपर से इंडिया में स्पेसिफिकली वो अपने बच्चों को हायर स्टडीज देने के लिए ओवरटाइम भी करते हुए दिखाए गए थे, जिसकी वजह से वो उन पर ध्यान देना और कम कर रहे थे। सो अगर मोटा मोटा देखें तो दोनों इंडिया और अमेरिका में काफी सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ? वेल, कुछ सर्वे से ये पता चला है कि आज 90% यूथ को नाइट लाइफ और पार्टीज करनी पसंद है, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन इसी पार्टी कल्चर की वजह से आज इंडिया की 75% यूथ पॉपुलेशन 21 ईयर्स के पहले ही अल्कोहल कंज्यूम कर लेती है। एंड ऑब्वियसली जैसे फॉरेन में हुकअप कल्चर आ रहा है, वैसे धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। एंड इसका भी एक नतीजा ये है कि आज 1 out of 5 टीनेज बच्चे ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने टीनेज में ही सेक्स किया है। 90% बच्चे प्री मैरिटल सेक्स में बिलीव करते हैं, और टोटल अबॉर्शन में से 45% गर्ल्स क्लैंडेस्टाइन अबॉर्शन यानी कि सीक्रेट अबॉर्शन करवाते हैं। अब ऑब्वियसली जैसे हर चीज के दो साइड्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, तो फिर जो हुकअप कल्चर में है उनका ये कहना है कि उनको इससे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स लाइक सेक्सुअल satisfaction, general positive emotions, increase in confidence and clarification of feelings towards the other person. इनफैक्ट कईयों का तो ये भी कहना है कि हुकअप की वजह से उनके लिए पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा के साथ डील करना और भी ज्यादा आसान हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड इसी कल्चर के कई सारे नेगेटिव्स भी है, मेजरली द इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। सो फर्स्टली अगर मैं इमोशनल हेल्थ की बात करूँ तो ज्यादातर हुकअप्स के बाद जो फीमेल्स होती है वो मेल्स की तरफ इमोशनली और ज्यादा अट्रैक्टेड फील करने लग जाती है, लेकिन मेल्स ऑन दी अदर हैंड इसका टोटली ऑपोजिट फील करते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन आफ्टर इंटरकोर्स फीमेल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्स की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करने लग जाते हैं। पर मेल्स में ऐसा नहीं होता, उल्टा मेल्स में वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, जो दोनों भी हार्मोन्स इंटरकोर्स के टाइम पे हाई होते हैं, वो दोनों ही हार्मोन्स इंटरकोर्स के बाद डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल्स ना तो इमोशनली और ना ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स द अदर जेंडर। अब उसी रिसर्च में ये भी पाया गया है कि मेल्स में ऐसा नहीं होता जब वो मेल उस फीमेल के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने के बाद सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कुछ अपने साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन हम उस पे डेल्व नहीं करेंगे। हम आते हैं हमारे पहले वाले साइंस पे, क्योंकि इसके वजह से देखा गया है कि आफ्टर हुकअप अराउंड 46% फीमेल्स और 41% मेल्स काफी डिप्रेस्ड फील करते हैं। एंड सेकंडली टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो एक रिसर्च में जब 1468 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर स्टडी किया गया था, तब ये पता चला था कि हुकअप के बाद 27.1% स्टूडेंट्स एंबैरस थे, 24.7% स्टूडेंट्स इमोशनल डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, और 20.8% स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ही खो दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे रिसर्चेस हैं जिसमें वी हैव फाउंड दैट 78% वुमेन और 72% मेन हुकअप करने के बाद रिग्रेट फील करते हैं। अब वेल, ये सब बताने के पीछे का मेरा मेन रीजन ये नहीं है कि मैं हुकअप कल्चर को इन जनरल डाउनग्रेड करूं या फिर इसे नेगेट करूं। आई मीन, क्योंकि ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग जो ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में ये सब किया है, उनका ये आर्ग्यूमेंट होगा कि हमारे लिए तो ये नॉर्मल है एंड इसका हमारे लाइफ में पॉजिटिव ज्यादा
ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव्स। मतलब बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि हर इंसान बायोलॉजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली काफी डिफरेंट होता है और अलग अलग एनवायरमेंट्स में प्रेजेंट होता है। सो उसके हिसाब से क्या हुकअप कल्चर सही है, क्या नहीं है, क्या उसे फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करना चाहिए, एंड अगर इंडिया इसे फॉलो करेगा तो क्या वो आगे चल के अमेरिकन कल्चर जैसा ही बन जाएगा, इंडिया का कल्चर भी, दैट इज फॉर यू टू आंसर। वेल ऑनेस्टली इस टॉपिक पर रिसर्च करना काफी ज्यादा हार्ड था क्योंकि देयर इज नो वन आंसर टू इट। ये पूरा टॉपिक ही एक परसेप्शन का डिबेट है, एक ओपिनियन का डिबेट है। तो आपके जो भी ओपिनियन है इस टॉपिक पे प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना, दोनों साइड के पर्सपेक्टिव सबको जानने मिलेंगे एंड सबका नॉलेज का ग्रोथ होगा। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न के वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।